भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ना तेलंगाना कुटुंब सभ्युलंदरिकी नमस्कारालो। आप सभी विकास के इस उत्सव में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी से कुछ देर पहले मैंने तेलंगाना और देश के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, मेहनत करने की कुछ आदत भी कम होती है और इसलिए बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं कि ये तो चुनावी सभा है। मेरे भाइयों बहनों और मेरे कुछ साथी जो भांति भांति का एनालिसिस करते हैं, जरा समझो, ये चुनावी सभा नहीं है। चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है, उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। मेरी बात से आप सहमत है ना? सहमत है ना? इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, आप सहमत है ना? मैं हिंदी बोलूंगा तो चलेगा ना? क्योंकि मैं तेलुगु में भाषण नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये आपका प्यार है कि आप मेरी बात सुनना भी चाहते हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं और फिर भी इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार किस स्पीड से और कितने बड़े स्केल से विकास उत्सव मना रही है, ये बताने के लिए मैं आपको और देश को, और ये जो बार बार चुनाव चुनाव लिखते हैं ना, उनको खास मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको मेरा 15 दिन का हिसाब? दे दूं? देखिए 15 दिन में क्या क्या हुआ। 15 दिन में दो IIT, एक IIIT DM, 3 IIM और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS, इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। 15 दिन में 18,000 कोऑपरेटिव के कंप्यूटराइजेशन के काम पर पूरा होने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में सिंदरी में देश के बड़े खाद कारखाने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में भारत के सबसे लंबे केबल
आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। 15 दिन में रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। 15 दिन में ही ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़े 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। 15 दिन में ही केजी बेसिन में फर्स्ट ऑयल का लोकार्पण हुआ है। वहां से निकले कच्चे तेल के पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाई है। 15 दिन में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन हुआ है। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। अब बताइए, ये विकास का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों के कल्याण का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों की भलाई का उत्सव है कि नहीं है? अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा। मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। मैं सही बोल रहा हूं ना? साथियों, कल भी मैंने, अब आप देखिए, ये चुनाव चुनाव करते हैं, जरा देखिए, दिमाग कपाइए। कल भी मैंने दिन भर सभी मंत्री और भारत सरकार के सभी वरिष्ठ सचिव अधिकारी, यानी एक प्रकार से टॉप टीम, करीब 125 लोग, पूरा दिन भर उनके साथ बैठा और क्या किया, चुनाव की चर्चा नहीं की। वहां मैंने विकसित भारत निर्माण के लिए एक्शन प्लान पर एक एक मुद्दे की बारीकी से चर्चा की। विकसित भारत के एक्शन प्लान पर देशभर में 15 लाख लोग अब तक अपने सुझाव दे चुके हैं। 3,75,000 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स अब तक इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर करीब 3,000 मीटिंग हो चुकी है, 3,000 मीटिंग। देश को विकसित बनाने के लिए दिन रात काम, करीब करीब 1200 यूनिवर्सिटीज ने इसमें हिस्सा लिया है। बड़ी बात यह है कि इनमें अब तक करीब 11 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया है, अपने मौलिक सुझाव दिए हैं, जो हमारे युवा विकसित भारत के सबसे बड़े निर्माता और सबसे बड़े लाभार्थी, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। राष्ट्र के विकास के लिए भाजपा का यही कमिटमेंट है, जिसके कारण तेलंगाना के भी लोग पूरे जोश से कह रहे हैं। तेलंगाना के गांव गांव से आवाज आ रही है, नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार नालगो बंदलो यह ताली, बीजेपी की वोटू वैयाले। साथियों, ये धरती रामजी गौंड और कोमाराम भीम जैसी महान विभूतियों की धरती है। आजादी के इतने दशकों तक तेलंगाना की इस धरती ने
उन्होंने जो योगदान दिया उस योगदान को कभी सम्मान नहीं दिया गया। 2014 के बाद बीजेपी की केंद्र में सरकार ने तेलंगाना के विकास को, आदिवासी समाज के सम्मान को इतना महत्व दिया। आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी सरकार आने से पहले कोई कल्पना कर सकता था कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनेगी? कोई कल्पना कर सकता था? पहले कभी लगता था कैसा हो सकता है? क्या कोई कल्पना कर सकता था कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा? आदिवासियों के विकास के लिए देश में अलग मंत्रालय बनाने का काम बीजेपी सरकार ने ही किया था। आजादी की लड़ाई में जनजातीय समाज के योगदान को समर्पित म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, ये काम भी केंद्र की बीजेपी सरकार ने शुरू किया है। हैदराबाद में जो म्यूजियम बन रहा है, हमने उसका नाम रामजी गोंड के नाम पर रखा है। साथियों, आदिवासी समाज को सम्मान मिले, ये परिवारवादी पार्टियों को बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमने जनजातीय समाज के लिए जब भी फैसले किए, इन्होंने उन फैसलों का विरोध करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। साथियों, बीजेपी आदिवासी कल्याण को, आदिवासी गौरव को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। आदिवासी समाज में भी जो लोग अति पिछड़े हैं, जो अब तक विकास से वंचित हैं, उनके लिए बीजेपी सरकार ने पीएम जनमन योजना शुरू की। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ हमारे तेलंगाना के भी चेंचू, कोलम, कोंडारेड्डी, थोटी, ऐसी छोटी छोटी जो आदिवासी समाज की जातियां हैं, दूर दूर है, ये इनके लिए लाभ मिलने वाला काम है। तेलंगाना को सम्मक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। साथियों, आज पूरे देश में मोदी की गारंटी, इसकी बहुत चर्चा है। यहां तेलंगाना के लोगों का सपना था कि टर्मरिक बोर्ड बने, था कि नहीं था? तेलंगाना के किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड अब एक सच्चाई बन चुका है कि नहीं चुका है? बन गया ना? मैंने कहा था कपास के किसानों की हर तरह से मदद करेंगे। बीजेपी सरकार ने कपास की एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, उनमें से 1 मेगा पार्क तेलंगाना में बन रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी
गारंटी पूरी होने की गारंटी, मोदी गारंटी अंटे गारंटी का पूर्ति अये गारंटी। साथियों, तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है, दो पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ दूसरा लूट। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए, कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा, यही करते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं, मेरी पल पल की खबर देश रखता है। और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था, कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं।
और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने। साथियों, आखिर में मैं तेलंगाना के लोगों को, देश के अन्य लोगों का एक संदेश भी देना चाहता हूं और गर्व से भरे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर में सोने के दरवाजे हो या फिर मंदिर के स्तंभ, उनके निर्माण में तेलंगाना की भूमिका रही है और इसके लिए पूरा देश तेलंगाना के लोगों का आभार व्यक्त करता है। रामलला का आशीर्वाद पूरे तेलंगाना के लोगों पर है। हम विकसित भारत, विकसित तेलंगाना का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि 2047-25 साल हमारे पास है, इतनी मेहनत करनी है देश को दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में ला करके खड़ा रहना। हमारे मां बाप को तो मुसीबतों में जिंदगी गुजारनी पड़ी, लेकिन अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे दोस्तों। और इसलिए तेलंगाना, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका अपार प्रेम चाहिए, मैं आपका प्यार का भूखा हूं और एक सेवक के नाते आपको समर्पित हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।
दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। निलबड़ी मन मन स्थानों निलबड़ी मोदी गारी की धन्यवाद चपाली।